सो फ्रेंड, अब आप घर बैठे A to Z कंप्यूटर्स का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो फ्रेंड, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कोई भी डाटा होता है हमारा, उस डाटा को हम लोग कोई डाटा शीट में शो नहीं कराना है, बस उसका हमको ग्राफ में डिस्प्ले कराना है, ग्राफ में देखना है। तो किसी भी वैल्यू को ग्राफ में देखने के लिए कैसे देखा जाता है फ्रेंड, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स कि हम लोग अपने डाटा शीट को ग्राफ में कैसे डिस्प्ले कराएं। तो सिंपली है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर ऑन कर ले। और ये जो हम बताने जा रहे हैं फ्रेंड, वो वर्डपैड में बताने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड सीखते हैं कि हम लोग डाटा शीट को ग्राफ में कैसे डिस्प्ले कराते। विंडो आर करें फ्रेंड, यहां पे लिखें राइट, एंटर करें फ्रेंड। राइट करने के बाद ये आपका वर्डपैड सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा फ्रेंड। यहां पे आपको क्या करना है, होम मेनू में जाना है, उसके बाद इंसर्ट में, और ये है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाने के बाद फ्रेंड, यहां पे आप जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट, ये ग्राफ चार्ट में जाए फ्रेंड और उसके बाद ओके कर दें। देखिए आपके सामने ग्राफ और विथ डाटा सीट आपके सामने शो हो जाएगा। बहुत ही इजी फ्रेंड, किसी भी वैल्यू को, मार्क्स है, सैलरी है या वेदर है, वैसा आप यहां पे फॉर्मेट डाटा सीट बना ले और उसको यहां से ग्राफ में डिस्प्ले करा सकते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड। तो आइए आज हम आपको एक सिंपली 3 स्टूडेंट्स का एक मार्क्स इनपुट करके उसके वैल्यू को हम लोग ग्राफ में डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ये वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग एडिट कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, इसके जगह आपको किसी पर्सन का नाम लिख दें, जैसे हमने लिख दिया राम। इसमें आप राहुल, दीपक, सो फ्रेंड हमने लिख लिया। यहां पे आप सब्जेक्ट लिया, आप देख रहे हैं कि राम जैसे नाम लिखे तो यहां राम आ गया, राहुल लिखे तो राहुल भी आ गया फ्रेंड, और यहां पे दीपक का नाम लिखे तो दीपक भी आ गया। सो फ्रेंड और भी आप बढ़ाना चाहते हैं, चलिए एक और बढ़ा देते हैं, एक कमल। कमल का नाम लिख दिया, सो फ्रेंड आप देख रहे हैं एक और बढ़ गया कमल। चलिए आप और भी जितने सारे स्टूडेंट्स का आप ग्राफ बनाना चाहेंगे और भी इसी तरीके से आप नीचे लिखते जाएंगे और बनाते चले जाएंगे। सो फ्रेंड आइए यहां पे सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। और भी आगे एक बढ़ाना है फ्रेंड तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड अब यहां पे राम कितना नंबर लाया है उतना आप पुट कर दे फ्रेंड। सो फ्रेंड 35 नंबर मैथ में लाया है, केमिस्ट्री में कुछ भी मेंशन कर दे, जो भी आपको देना हो टाइप कर दे। सो फ्रेंड हमने यहां पे लिख डाला। आपको क्या करना है फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहां से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यहां पे आप देखिए राम, राहुल, दीपक और कमल, राम, राहुल, दीपक और कमल। अब यहां पे फ्रेंड आप पहचानिएगा कैसे कि राम का कौन सा है, श्याम का कौन सा है, या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसमें चार चार कॉलम, चार चार टावर बना हुआ है, देखिए टावर जैसा दिख रहा है, टावर बना हुआ है। अब बहुत इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कलर, कलर से आप पहचानेंगे कि राम कौन है, राहुल कौन सा है, दीपक कौन सा है और कमल कौन सा है। सो फ्रेंड आइए आपको एक और बात बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे फिलहाल पहले ये बात बता देते हैं कि जैसे ये राम है तो राम का जो कलर है ये देख रहे हैं कि इस तरह का पर्पल कलर दिख रहा है राम का, यहाँ पे आगे देखिए और इसका ही राम का। और उसके बाद फ्रेंड राहुल का देखिए कि थोड़ा ये ब्राउन कलर है, उसके बाद ये दीपक थोड़ा येलो है, और उसके बाद कमल थोड़ा ग्रीन टाइप से दिख रहा है। आप फ्रेंड्स इसमें कलर वगैरह और भी हाईलाइटेड कर सकते हैं।
सो फ्रेंड कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो टावर इसको एक बार क्लिक करें, देखिए एक बार क्लिक कर दें, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये वाला भी सिलेक्ट हो गया और अदरवाइज सिलेक्ट हुआ नहीं। फ्रेंड इस पर आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद देखिए कलर का आ जाएगा, इसमें से आप कलर कोई भी एक हाइलाइटेड टाइप से रेड ले लीजिए, देखिए सबका हो गया। उसके बाद फिर इसको एक बार क्लिक करें, फिर डबल क्लिक करें फ्रेंड, इसमें ब्लू कर दे फ्रेंड, अब और भी आपको डीपली समझने में आसान होगा। फिर इस पर एक बार क्लिक करके डबल क्लिक कर दे, इसको येलो कर दे, डीप येलो कर दे फ्रेंड। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके इसको ग्रीन कर दे फ्रेंड। तो आप देखिए कलर भी चेंज हो गया। और भी फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड वगैरह का भी कलर चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करके आप यहां से कलर हल्का पिंक ले लें। तो देखिए तो फ्रेंड उतना ये ठीक नहीं लगता, टावर को ही हम लोग समझने के लिए यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। सो फ्रेंड ये ठीक लग रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे राम है तो ये राम का हमारा रेड है तो यहाँ पे 30 से अबव है, हम इसमें एक और एक सेटिंग कर देते हैं फ्रेंड कि एग्जैक्ट हमको पता चले कि कितना ये नंबर लाया है। तो सो फ्रेंड तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक सेटिंग है तो आपको क्या करना है, चार्ट मेनू में जाना है, चार्ट ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर से डाटा लेवल में जाना है। डाटा लेवल में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू आता है। अब देखिए अब हर एक टावर पे यहाँ पे आपका वैल्यू उसका शो कर जाएगा। आप चाहते हैं कि कैटेगरी का नाम भी शो कराना चाहते हैं, कैटेगरी का नाम भी शो हो जाएगा, सीरीज का नाम चाहते हैं तो सीरीज का भी नाम हो जाएगा। तो सो फ्रेंड हमको खाली वैल्यू चाहिए। और भी सब फ्रेंड्स सेटिंग है, जैसे टॉप में रखना है, बॉटम में ये सब नाम रखना है, कॉर्नर में रखना है, बॉटम में रखना है, तो ये सब सेटिंग है फ्रेंड आप देख लेंगे। ओके उसके बाद और भी कैटेगरीज है, ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए, सब सेटिंग है। टाइटल में नाम वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स टाइटल का जो भी आप बदलना चाहते बदल लें। फिलहाल आपको डेटा लेवल में जाना है और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। सो फ्रेंड आप देख रहे हैं अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, ये सब नंबर आपको दिख रहा है, नंबर को भी आप चाहें तो कलर कर सकते हैं। तो चलिए नंबर को हम वाइट कर देते हैं, चलिए इस तरीके से। अब देखिए ये बैकग्राउंड था, सो फ्रेंड इसको हमको क्या करना है, रखना चाहते तो ठीक है रख लीजिए कोई बात नहीं, तो नन कर देंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अब वैल्यू आ गया, इसको आपको लास्ट में क्या करना है, इतना होने के बाद इसको क्लोज कर दे। ये देखिए फ्रेंड आपका यहाँ पे ग्राफ में शो कर गया, इसको थोड़ा स्मॉल कीजिए, ये स्क्रीन से थोड़ा कम हो जा रहा है, इसको आप यहाँ पे कर दीजिए, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि अंदर चला जा रहा है। इसको आप थोड़ा नीचे डाउन करके नीचे ला सकते हैं फ्रेंड, आ नहीं रहा है, ये रहा, जूमिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो आप फ्रेंड जब ऐसा होगा तो आप इस तरीके से जूमिंग को थोड़ा कम बेस करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए सो फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ फिर से। जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम हमारे फ्रेंड्स न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।